राधे राधे, प्रिया होम किचन में आपका वेलकम है। तो मैं चलती हूँ आज कुमड़े की सब्जी बनाने। तो चलिए मैं दिखा रही हूँ कि मैं कैसे बना रही हूँ। तो यहाँ ताजा मैं कुमड़ा ले ली हूँ, यहाँ ये मटर है, यहाँ तेजपात मिर्चा और ये रहा मेरा प्याज। अब चलिए बना के दिखाती हूँ। तो यहाँ मेरा कढ़ाई पूरा गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें डालती हूँ, यहाँ फोरन डालती हूँ मैं, जो भी खड़ा मसाला है मैंने ऐड कर दी। तो यहाँ ले ली हूँ मैं तेजपात, लाल खड़ी मिर्च। तो यहाँ मेरा ये हो चुका है, अब मैं इसमें प्याज ऐड कर दे रही हूँ। तो अब इस प्याज को भून को मैं पीस, देख सकते हैं मैं मसाले में क्या ली हूँ। यहाँ ले ली हूँ जीरा, काली मिर्च, लहसुन, अदरक, इसमें थोड़ा सा मैंने राई भी ऐड कर दिया है। तो यहाँ मैं टमाटर भी डाल रही हूँ। अब सारा का पेस्ट बना लूंगी मैं अच्छा से। तो इसमें मैं दो मिर्च भी डाल देती हूँ। अब इसका हम पेस्ट बना ले रहे हैं। तो यहाँ मेरा पेस्ट बन चुका है, करूँगी। तो यहाँ हम जो भी मसाला का पेस्ट बनाया था वो इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ हम हल्दी ऐड कर दे रहे हैं इसमें, यहाँ हम नमक ऐड कर दे रहे हैं इसमें। तो यहाँ मैं लाल मिर्च भी थोड़ा ऐड कर दे रही हूँ, यहाँ मैं गरम मसाला ऐड कर दे रही हूँ थोड़ा। तो यहाँ अब ढक ढक के मैं इनको भूनूंगी अच्छा से, क्योंकि ये जो मैं डाली हूँ इसमें राई, तो उसको अच्छा से भूनना चाहिए, नहीं तो कड़वा लगता है। तो इसको मैं अच्छा से ढक के भूजूंगी। तो हम इसको ढक दे रहे हैं। इस तरीके से हमें इसके भून जाएगा, तब इसमें हम डाल देंगे कुमड़ा और उसके साथ अच्छा से भूनेंगे, फिर वो पानी छोड़ेगा। उसी तरीके से हम भूनते रहेंगे, पानी उन्हें ज़्यादा हमको ऐड नहीं करना है। मेरा मसाला पूरा अच्छे तरीके से तेल छूट चुका है, अब इसमें हम ऐड कर दे रहे हैं कुमड़ा। यहाँ हम अपना कुमड़ा और मटर दोनों ऐड कर दिए हैं साथ में, इसको अच्छा से भूनेंगे। अब ये भूनते भूनते पानी छोड़ देगा अच्छा से, तब ये इसको हम ढक दे रहे हैं और इसको हम भूनेंगे। थोड़ा सा ये गलेगा तो पानी छोड़ेगा, पानी छोड़ेगा तो उसी से मेरा मसाला भुन जाएगा अच्छा से। इस तरीके से सब्जी, मैंने इसमें आम का अचार भी डाल दिया क्योंकि खट्टा थोड़ा अच्छा लगता है, मेथी डाल दे रहे हैं। तो फाइनली मेरा ये सब्जी बनके रेडी है। अब इसमें मैं धनिया पत्ता थोड़ा ऐड करूँगी। तो फाइनली ये मेरा बन के रेडी है, मैं गैस बंद कर दे रही हूँ और इसको थोड़ा ढक दे रही हूँ। और आई होप कि आप लोग को भी अच्छा लगा होगा मेरा ये रेसिपी। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, अगर मेरे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय गाइज़।